कि वो कुछ सवाल, वो कुछ इंच वाला जो डिफरेंस है वो हम क्रिएट कर पाते हैं, वो हम इसको नेगेट कर पाते हैं। वो महारथी बच्चे भी हैं जिन्हें 10 आंसर ही आ रहे हैं, 70 नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे सर? तो भाई एक काम करो, करेंगे तुक्के लगाने की जो जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपको ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। अगर आपके पिछले 3 जवाब बी हैं, आप श्योर हैं, आप जानते हैं बी ही हैं, चौथा आपको आ नहीं रहा है, जय माता दी बोलिए भगवान। उसी तरह अगर आप ये कन्फ्यूज हैं कि इसका आंसर बी है या डी है, तो इसमें भी बहुत कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ फीड है, आपके दिमाग ने आपको खट से जो है लाइटनिंग फास्ट इंडिकेटर। आज तक की हमारी सारी वीडियो में हमने देखा पढ़ाई कैसे करनी, तैयारी कैसे करनी है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, तैयारी इसकी जो है पेपर के लिए किस तरह से करनी है। आज हम एक ऐसी बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, पर उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी बाकी की सारी तैयारी। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाए। मेरा भी पहला रिएक्शन वही था जो आपका है, बट सही मैंने सोच के देखिए, JNVST का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बच्चा है, उसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हो सकता है उसमें से उसके 55 सही भी हो, उसे 60 क्वेश्चन आते थे, उसे लगा 60 आते, उसने 60 के 60 अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके 58 सही हो गए, ठीक है। एक दूसरा बच्चा आते, उसको भी 85 क्वेश्चन थे, उसने अटेम्प्ट 80 किए, कुछ तुक्के लगाए, अगर वो सही हो गए तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे ना इससे। अगर हम और एग्जाम्स की बात करें तो ऐसा होता है, वो सुनने में आता है ना, एक नंबर दो नंबर से पास नहीं हो पाया, एक नंबर दो नंबर से जो है एग्जाम रह गया। उन सिचुएशंस में भी ये चीज़, ये ट्रिक, ये टिप्स अगर आपके पास होती, अगर ये चीज़ आपने कर ली होती, तो शायद एक बहुत आउटसाइड चांस है कि वो कुछ सवाल, वो कुछ इंच वाला जो डिफरेंस है वो हम क्रिएट कर पाते, वो हम इसको नेगेट कर पाते हैं। इसलिए हम आज के वीडियो में बात करेंगे JNVST एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है, किस तरह से आप गेस शॉट्स, MCQ क्वेश्चंस में गेस आंसर्स कैसे ले सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु TV, आरंभ है प्रचंड। तो चलिए देखिए, 3 तरह के बच्चे होते हैं एग्जाम देने वाले, 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो होते हैं टॉपर्स, पहले वो होते हैं जिन्हें ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर जो पता होते हैं, जो खुद पे जो है पूरा भरोसा लेके चल रहे हैं, जिनकी तैयारी पूरी है, अच्छे से उन्होंने तैयारी की है और वो एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने तैयारी तो अपनी तरफ से पूरी की है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कुछ कुछ उनके प्रिपरेशन में कमी रह गई है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें उन्हें नहीं आ रही होती हैं। और ये बेसिकली जो वो वाला फ़र्क रहता है ना कि पास करने का और उसके जस्ट नीचे रह जाने का, उस कैटेगरी में आने वाले बच्चे हैं। तीसरी कैटेगरी होती है जय माता दी वाले, जिन्होंने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, मैं तो कह रहा हूँ कब से, पर अगर आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की है, आपको पता है कि एग्ज़ाम नहीं ही क्रैक होने वाला और एग्ज़ाम देना तो है ही, उस सिचुएशन में क्या करें। तो ये 3 तरह के बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं अपने पास एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमारी जो वीडियो है अगर ध्यान से सोच के देखें तो सबके लिए काम आने वाली, वो बच्चे जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की है उनके अगर 2-3 क्वेश्चन अगर रह भी जाते हैं तो अगर कोशिश करें हमारी ये वाली जो टिप्स हैं अगर इनको फॉलो करें तो हो सकता है वो 2-3 क्वेश्चंस भी उनके सॉल्व हो जाए। वो वाले बच्चे जिनका लगभग तैयार है, कुछ क्वेश्चन की वजह से जो रहने वाले, अगर वो अटेम्प्ट करके आएंगे इनमें से तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बेहतरी ही होगी, नुकसान नहीं होगा। और तीसरा वो बच्चे जिन्होंने कुछ तैयारी की ही नहीं है तो आपके पास तो भैया फिर ऑप्शन भी नहीं है ना, क्यों नहीं की, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा मुझे बाद में। फिलहाल ये देखिए कि तुक्का कैसे लगाते हैं। चलिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेगेटिव मार्किंग जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में होती है उसमें आपको बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगाने। ऐसा मतलब जनरल रूल ऑफ थंब है, नियम उसके भी होते हैं पर वो जो है हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग अगर एग्ज़ाम में होती तो आपका रिस्क ये बनता है कि आपने जो सही आंसर दिए हैं उसमें से भी मार्क्स जो है कट जाएंगे, है ना, तो ये रिस्क नहीं लेना। पर मज़े की बात ये है, बहुत ही अच्छी बात हम लोग के लिए है कि JNVST के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग होती है। आपने जो सही जवाब दिए हैं उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे, जो आपने गलत जवाब दिए हैं उसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नंबर काटे भी नहीं जाएंगे। यानी सबसे पहला सबसे बेसिक चीज़ जो हम हटा के चलें, बच्चों सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, नंबर्स कम होने की तो प्रोबेबिलिटी वैसी ही नहीं है, बढ़ने के चांसेस ज़रूर हैं। इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि सर अटेम्प्ट तो हम कर लेंगे,
और कैसे अटेम्प्ट करें, किसको कितना दें, सब पे ए कर दें, सब पे बी कर दें, क्या करें। दसियों तरीके, कुछ तरीकों के बारे में हम बात करेंगे जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। साइंटिफिक तो मैं नहीं कहूँगा, और कुछ लोग कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड टुक्के लगाने का नहीं होता भाई। साइंटिफिक मेथड सिर्फ साइंस के काम आता है, पढ़ा है आपने, अगर आपको आंसर आता है तो ही गारंटी, और किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, कोई फुल प्रूफ नहीं है। पर ठीक है, अपने एंड पे जितनी कोशिश कर सकते हैं, साइंस यहाँ काम नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी तो आएगी। कैसे? प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ए बी सी और डी, एमसीक्यू में चार ऑप्शन है आपके पास, और टेक्निकली लगभग हर पेपर जो है इनमें 25-25% के हिसाब से आंसर्स बांट के चलता है। यानी 25% सवालों के जवाब ए होंगे, 25% सवालों के जवाब बी होगा, और सी और डी के भी 25% जो है सवालों के जवाब होंगे। यानी अपने JNVST में 80 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का आंसर ए होगा, 20 का बी, 20 का सी, 20 का डी हो सकता है। अब हो सकता है कि सी के 22 हो जाए, ए के 18 रहे, ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर मान के चले तो 25% मार्क्स हर ऑप्शन के लिए निर्धारित होते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि बराबर बराबर आंसर्स होंगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, हम इस पर लौट के आएंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले वाला जो है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम सबसे सटीक तुक्के लगा सकते हैं। देखिए, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर ही लेंगे, है ना। क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं आसान, आप पहली नज़र में आपने पेपर देखना शुरू किया कि यार 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 में डाउट है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 में डाउट है, इस पे डाउट है, ये आपने लिस्ट पहले बना ली जब आप पहली बार पेपर के रन थ्रू कर रहे हैं। जो जो आंसर आपको आते हैं, जिन क्वेश्चन के आपको पता है कि आंसर मैं कर ही लूँगा, उन्हें करके सॉल्व करें। सेकंड टाइम में जब आप लौटते हैं तो उसमें फिर दो टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, एक वो जिनमें आपको टाइम लगेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें वक्त लगेगा आपको करने में, एक तो वो उसको खैर आप सॉल्व करें, टाइम देखें जिस हिसाब से बचा, टाइम मैनेजमेंट वो उस पर हम बात कर चुके हैं अलग से, देखिएगा जरूर। और टाइम मैनेजमेंट जो है आपको एग्जाम में करना बहुत ज़रूरी है, तो इन क्वेश्चंस में आपका टाइम मैनेजमेंट काम आएगा, तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद आखिरी वाला, मान लीजिए ये करने के बाद आपको जो है जो आते थे वो कर लिए, उसके बाद जिनमें कैलकुलेशन थी, जिनमें लंबा समय लगना था, वो भी कर लिए, इसके बाद बचे आपके पास 20 सवाल। अब ये 20 सवाल जो है मेक और ब्रेक वाला काम करेंगे, या तो ये 20 सवाल इस पार या उस पार वाला काम करेंगे, है ना। तो इनको फिर कैसे अप्रोच करना है इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। चलिए, एक जनरल मान के चलिए कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स में अगर हार्ड क्वेश्चंस है तो आधी प्रोबेबिलिटी, 50% चांसेस, अगर मुश्किल क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है ए होता है। पता था, बता रहा हूँ, होता है। पेपर स्टडी की हमने बहुत पुराने वाले पेपर अगर उठा के देखेंगे उसमें ये चीज़ कॉमन है, अगर हार्ड क्वेश्चन से ज़्यादा, तो अगर 10 हार्ड क्वेश्चन एक पेपर में है उसमें से 5 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, जहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर यूजुअली ए रहता है। दूसरा, आप देखेंगे अगर एक्सट्रीम आंसर कोई है ऑप्शन है, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है उसके जो चार ऑप्शन है वो इस तरह से आ जाते हैं, ए हो जाए 10, बी आपका लिखा हुआ है 14, सी 18 और डी 315, है ना। तो एक ऑब्वियसली नज़र ये पड़ सकती है कि अरे वाह 315 अलग है, बाकी ये तो कभी नहीं होगा भैया। एक्सट्रीम ऑप्शंस कभी भी आंसर नहीं होंगे। मान लीजिए इसकी जगह ऐसे होता कि 0, 13, 27, 3005 या 3001, इसमें भी एक्सट्रीम्स जीरो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों ही गलत जवाब होंगे। यानी कि अपने पास बचते हैं ये दो, उसी तरह यहाँ पे अपने पास बचते हैं ये तीन, ठीक है, कॉमन वाले। तो एक्सट्रीम जो भी है, जो बहुत ही अलग लग रहा है आपको बाकी ऑप्शन से, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट पर हम और बात करेंगे, तुक्के लगाने की जो जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे पास चार ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी, तो मुझे सबसे पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यार डी तो इसका नहीं होने वाला। अब ये शायद आपने पढ़ी हुई चीज़ आपको स्ट्राइक कर रही हो, लॉजिक आपसे ये बात कह रहा हो, आपका दिमाग कह रहा हो कि नहीं यार ये तो ही नहीं बनता इसका। मतलब अगर मैं भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ और कहीं पर बीच में कोरियन आ जाती है कि कोरियन जो है भारत, मतलब इनमें से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है, ठीक है, मराठी, तेलुगु, उड़िया, कोरियन कहाँ से, ठीक है। तो कोरियन तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया इस तरह से, ठीक है। तो एक जो आप एलिमिनेशन का प्रोसेस में सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि यार ये जवाब तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। जैसे आपने ये कर लिया, इससे क्या होता है, अब मान लीजिए पहले आपके पास जो है चार ऑप्शन थे, इनमें से एक पर आपको टिक करना था, आंसर आपको नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी है 25%, यानी कि चार में से एक चांस।
अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, आंसर आपको अब भी नहीं आता है, पर तुक्का लगाना है ना, तीन में से अगर एक लगाएंगे तो 33% चांस बनते हैं कि आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए कि यार डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए या सी में से एक है, तो क्या ही कहना, माशाल्लाह 50% चांस यानी 50-50 चांस, कॉइन टॉस के बराबर की प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि आप सही आंसर करके आएंगे। 25 से लेकर 50 तक का सफर जो है, अगर एलिमिनेशन प्रोसेस आप सीख गए, अगर आप ये चीज़ दूर करना सीख गए कि कौन से आंसर्स गलत हैं, तो वाकई बहुत कारगर साबित होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैथ्स में अगर मुश्किल सवाल होते हैं तो ए होता है उसका यूजुअली ऑप्शन। लॉन्ग कैलकुलेशंस के लिए भी ये चीज़ मायने रखती है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा इक्वेशन आ गया, ठीक है, मान लीजिए ये सारे नंबर्स मान के चलिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 7, मान लीजिए लंबा चौड़ा अगर कोई कैलकुलेशन आ गया, उसका भी यूजुअली जो है आंसर कहीं ना कहीं 40% के आसपास मान लीजिए ऑप्शन ए ही होता है। बड़े कैलकुलेशंस का आंसर भी ऑप्शन ए में रहता है, ये हमने नोटिस किया है। उसके अलावा चलिए एक और, इसमें हम अगर कैलकुलेशंस की बात कर ही रहे तो यहाँ डेसिमल वाले कैलकुलेशंस होते हैं, 3.75 + 1.05 + -2.75। अगर इस तरह का कैलकुलेशन है और आपसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, पर अगर नहीं हो रहा है, लंबा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, चीज़ें नहीं है, टाइम कम है, है ना, या फिर आपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मिस कर दिए, जो भी है, लॉन्ग कैलकुलेशंस का आंसर अगर वहाँ पर होल नंबर है, होल नंबर में होगा, यहाँ पर डेसिमल्स देख के घबराना नहीं है। अगर आंसर्स में आपके ऐसा दिख रहा है, ए में जो है मान लीजिए 6 है, बी हो गया आपका 7.125, सी हो गया आपका 6.07 और डी हो गया आपका 7. या डी मान लीजिए 7 है, तो यहाँ पे आप पता है क्या एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये दोनों तो नहीं होंगे, या तो 6 होगा इसका आंसर या तो 7 है। ये भी हम मतलब हर बार नहीं होगा, पर अच्छी खासी 70-80% चांसेस हैं कि अगर डेसिमल्स का हम सम कर रहे हैं, लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसका आंसर जो है होल नंबर्स में ही मिलता है, तो वहाँ पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको इस चीज़ में मदद मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेटिव इनमें ये भी था कि कैलकुलेटिव में अगर 0 या 1 अगर ऑप्शंस में है, अगर आपके आंसर्स में कुछ भी है उसके अलावा अगर 0 है, ठीक है, सर मान लीजिए आपका ऑप्शन बी 0 था, सी कुछ और था और डी जो है 1 है, मतलब दोनों एक में आ गए तो थोड़ा कंफ्यूज होना पड़ेगा, पर वहाँ भी मान चाहिए ये दोनों नहीं होंगे। इसके अलावा अगर किसी में 3 रैंडम वो है और चौथा 1 है या फिर 0 है, तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि 1 या 0 ही उसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक तरीका और है, वो थोड़ा सा हटके, मतलब एग्जैक्टली तुक्का नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। एक वो तरीका है, वो जो ट्रायल एंड एरर वाला होता है ना, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मूला मौजूद है, आंसर्स के जो चारों ऑप्शंस हैं आप उसको इसमें पुट करके देख लें। जो भी क्वेश्चन का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए किसी चीज़ को पूछा है आपसे, जो है पेरीमीटर पूछा है आपको, पेरीमीटर उसमें निकलने में आ नहीं रहा है, आपने अगर ये वैल्यूज़ वहाँ अप्लाई की और आंसर यहाँ सही आ गया, ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो इससे जो है आपका अच्छा खासा मतलब अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो वक्त जो है लंबी कैलकुलेशन वाला वक्त जो है वो तो खैर बच ही जाएगा, और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो कॉमन पाई जाती है लगभग हर एग्जाम पैटर्न में, अगर आसान सवाल है, इफ इट इज एन ईजी क्वेश्चन, उसका आंसर ए कभी नहीं होगा। आसान सवालों का जवाब कभी भी ए नहीं होंगे, क्योंकि मतलब एग्जामिनर ये नहीं चाहते कि आप जैसे आपने सवाल पढ़ा वैसे आपको पहला ऑप्शन देखा उसी को आंसर मिल गया आपने करके आगे निकल गया, ना, वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन पे देखें, टाइम लगाएं, ताकि आपको और क्वेश्चन के लिए कम टाइम मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में कॉम्पिटिशन बढ़े, जिसमें उनको जो है मतलब बच्चा जो है आराम से रिजल्ट निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो आसान सवाल का कभी भी जवाब ए नहीं होगा। चलिए एक प्रोसेस की बात हम करते हैं। ठीक है, पैटर्न याद, एग्जाम ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं आप, ठीक है, ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट इस तरह से है, ठीक है, और आप जो है मस्त लगातार अपने हिसाब से भरे जा रहे हैं उसको। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया कि यार पिछले 3 बार से ना ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, अगर आपके पिछले 3 जवाब बी हैं, आप श्योर आप जानते हैं बी ही हैं, चौथा आपको आ नहीं रहा है, जय माता दी बोलिए, भगवान का नाम लेके बी पे कर दीजिए, 10 में से 6-7 बार जो है ऐसा होता है कि पैटर्न जो है अपने आप को रिपीट करता है।
ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, अगर चार ऑप्शंस हैं और आप जो है कंफर्म है कि वो या तो ए है या तो सी है, तो इसमें भी 60-70% चांसेस है कि वो ए ना होके सी होगा। उसी तरह अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर बी है या डी है, तो इसमें भी बहुत अच्छी खासी हाई प्रोबेबिलिटी का उसका आंसर बी होगा। यानी बी और सी जो है ज्यादा कॉमन आंसर्स होते हैं व्हेन कंपेयर टू ए एंड डी। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना यार कोई कि सर बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्या होगा। अच्छा पूछेंगे, पूछ लो। बी और सी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बी और सी में से एक कोई आंसर है, ए और डी तो पक्का नहीं है, उसके आंसर ज्यादा होने की चांसेस है बी के, यानी ऑप्शन बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ज्यादा होगा। इसके अलावा एक वो वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि इनमें से कौन सा फलाना फलाना नहीं है, है ना, उसमें आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे ए बी सी और चौथा होगा ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल के आंसर डी होने की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है? 90% से ज्यादा। जी हाँ, अक्रॉस बहुत सारे एग्जाम हमने ये चीज़ नोटिस की है और फाइनली ये बात बहुत दवा के साथ कह सकते हो कि अगर ऑल ऑफ द अबव आपके ऑप्शंस में है ना, तो 90% चांस है कि वही सही जवाब है। इसके दूसरी तरफ एक चीज़ और होती है, नन ऑफ द अबव होती है ना। अब ये बोल सकते सर कि अगर ऑल ऑफ द अबव इतने हाई चांसेस है तो नन ऑफ द अबव जो है वो सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए ज़्यादातर समय इस्तेमाल होता है, या फिर कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी नन ऑफ द अबव जो है बहुत कम चांसेस हैं कि वो सही जवाब होगा, बशर्ते जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं है कि नन ऑफ द अबव ही इसका सही जवाब है, यकीन जानिए वो नहीं होगा। अगर आप जानते हैं, अगर सवाल ऐसा है आपने सॉल्व कर लिया, आपको कन्फर्म पता है कि नन ऑफ द अबव सही जवाब है, तो ही उसे टिक करें, अगर नहीं तो इसे आप एलिमिनेट करके चलें। नन ऑफ द अबव बहुत कम सिचुएशन में, मात्र 10% केसेस में सही जवाब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद है मैंने शुरू में बताया था कि मैं इस चीज़ पे लौट के आऊँगा, ए बी सी डी हर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है 25-25%, क्या चांसेस, ये भी है, मतलब इतना जो है लगभग एक एरिया रहता है कि 25-25% हो रहा है। तो जब आप सॉल्व करते हुए आ रहे हैं अपने सवाल, ठीक है, जो सवाल आपको आते हैं उसमें आपने नोटिस किया कि यार सी हो रहा है, ये बी सी है, ये बी सी है, ये बी सी है, ये मुझे पता है, ये मेरे को, ये ए हो गया एक जगह, कहीं पे डी हो गया, कहीं पे बी भी आ गया, फिर सी हो गया, फिर बी हुआ, सी सी ए डी सी बी सी सी, ये चीज़ अगर आपने नोटिस की कि जो आंसर्स आपको आते हैं उसमें अगर सी की बहुत आता है, सी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो नहीं करना जो पहले किया था, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो हैं होंगी 25% के आसपास ही। तो यानी जब आप तुक्का मारने जाएं तो सी नहीं मारें, उस टाइम सी को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है आपने करी नहीं, ज़्यादातर आंसर्स आपको समझ में आ ही गए, तो जब तुक्का मारने जाएं तो सी को एलिमिनेट करके चल सकते हैं, क्योंकि वो रिपीट हो गया बहुत ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी पैटर्न में सारे वो जो है कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और होती है, सिमिलर ऑप्शन क्या होता है, जब चार ऑप्शन आपके पास, ठीक है, ऑप्शन है उसका आंसर, जैसे ऑप्शन ए हो ए, बी हो गया 7, सी हो गया -2 और डी हो गया 13, इस तरह के जो ऑप्शन हैं 2-2 है ना, sin θ -sin θ, ये चीज़ें जहाँ भी आती हैं उसमें आपको जो सिमिलर हैं उन दोनों में से एक ही आंसर होगा, उसमें जो डिफरेंट हैं उन्हें एलिमिनेट कर दें। यानी कि अगर इस तरह के ऑप्शन है तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा, और वहाँ पे जो है वो दोनों ऑप्शन सिर्फ इसलिए कि एग्जामिनर चाहते हैं कि आप +2 -2 में कन्फ्यूज़ हों, ताकि जो है एरर के चांसेस बढ़ें और पता चल पाए कि कितने कौन कितने पानी में है। ठीक है, तो सिमिलर ऑप्शन जहाँ पे होंगे वहाँ पे आप बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए एक दो चीज़ें और बताता हूँ, इनमें से देखिए कुछ भी, कोई भी जो है इसमें से चीज़ कभी भी 100% काम नहीं करेगी, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, तो जो है आप ध्यान रखिए। बस हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाएँ, ठीक दे पाएँ, और हालांकि अपने एग्ज़ाम में चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। एक चीज़ और होती है, ऐसा होता है कभी कोई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अचानक जो पहला, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इजिप्शियन सभ्यता किस नदी के किनारे बढ़ी थी, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे
पैदा हुई थी। फिर आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको अचानक दिख रहा है अमेजन नदी, नील नदी, टिग्रेस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अचानक नील पर पहले एक बार में नज़र पड़ती, एक बार में आप क्वेश्चन पढ़ा, मन ही मन पढ़ रहे होते ऐसा, वहाँ पर जोर से पढ़ नहीं रहता, आपने क्वेश्चन पढ़ा, खट से नज़र पड़ती नील पर, फिर आगे बढ़ जाता है। उस टाइम पे आपका दिमाग एक बार को वहाँ पे टिकता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आप सोचने लग जाते हैं यार ये था ये था ये था, क्या था। इसको कहते हैं मेमोरी रिकॉल, यानी कि ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ फीड है, आपके दिमाग ने आपको खट से जो है लाइटनिंग फास्ट इंडिकेटर दिया कि यार ये सही जवाब है। आपने इग्नोर किया, आगे बढ़ गए, जाके आगे फंस गए, वापस लौट के आए, गलत आंसर करके आ गए। मेमोरी रिकॉल ऑप्शन, जब भी आपको ऐसा सवाल लगे जिसका आपको आंसर नहीं पता लेकिन पहले कहीं पर एक बार आपकी आँख टिकी थी, आपने एक सेकंड के लिए वहाँ पर रुके थे, बहुत हाई चांसेस है कि वही सही जवाब था, आपका दिमाग आपको इशारे दे रहा है। नहीं समझ रहे हैं तो फिर भैया क्या ही कर सकते हैं, मेमोरी रिकॉल का आप इस्तेमाल करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी चीज़ खट से ठक से आगे लगी थी और आपको लगा कि यार ये हो सकता है ये सही जवाब हो, तो अच्छे खासे चांसेस है कि वो सही जवाब है, आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखा है, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है, पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, लौट के वो जो है वहीं पर इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में जो हम बात करना चाह रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस बताता हूँ कि तुक्का कैसे लगाएं। एग्जाम आपने अप्रोच किया, आपको सबसे पहले पहला पार्ट क्या करना है, रीड ऑल, रीड मतलब रीड द होल क्वेश्चन, रीड द फुल क्वेश्चन केयरफुली। अब अगर तुक्का लगाना ही है, देखिए प्रोसेस ये है कि अगर जितना हो सके खुद से सॉल्व करें, आंसर जितना आता हो बहुत बढ़िया, पर नहीं आते हैं नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अटेम्प्ट तो सारे करें, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर तुक्का फिर लगाना है ही तो प्रोसेस ये है, पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, दूसरा रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली, सारे ऑप्शंस को भी, सारे आंसर वाले ऑप्शंस हैं उनको भी बहुत ध्यान से आप एक बार स्टडी कर लें, हो सकता है इनमें से कोई आके ऑटोमेटिकली वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं हम, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करें, हो सकता है इनमें से आप आंसर से अगर ऊपर पुट करते हैं तो उनमें से कोई आके लग जाए, आपको सही जवाब दे जाए। इन वाले ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रायल एंड एरर काम करता है कि आप ऑप्शंस वाले वाला अगर करें, उसमें भी यूजुअली ध्यान रखिए कि ए और बी आंसर्स नहीं होते, आंसर या तो सी होगा या डी होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि जब आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हैं, जब आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को पता है बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ए से शुरू करेंगे, आपने ऑप्शन ए में 7 था उसको पुट किया नहीं आया, ऑप्शन बी में 13 था उसको पुट किया नहीं आया, ऑप्शन सी में 4 था फिर आपने वो डाला आंसर आ गया, सी और डी तो आपने पहले दो में, लेकिन यहाँ पर समय तो बर्बाद किया ना, वही अपनी पुरानी कहानी, समय बर्बाद यहाँ हुआ, आगे कम टाइम मिलेगा, इसलिए ए और बी जो है बहुत कम बार ट्रायल एंड एरर में सही जवाब होगा, सही जवाब सी या डी होगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ख्याल रखें। चौथा पैटर्न प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फॉलो करें, जो बात हम कर चुके हैं वो 25% वाला है ना, पैटर्न में आपको समझा दे कि 3 लगातार अगर सी होगा तो हो अच्छी खासी चांसेस हैं कि चौथा भी सी ही होगा, इसको ध्यान रखें। मेमोरी रिकॉल की बात हमने की है उसको भी ध्यान रखें। ठीक है, ये तो एफिशिएंट तरीका है तुक्के लगाने का। सवाल ये है कि भैया अगर आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की, बिल्कुल ही जवाब आ ही नहीं रहे हैं, 80 क्वेश्चन है आपको उसमें से 10 ही आते हैं, 70 में अगर बैठ के, मतलब ये जो तरीका है ये उन चीज़ों के लिए आपको 60 आंसर आते हैं, 50 आते हैं, 10-20 के लिए आपको सोचना है, तो आप ये कर रहे हैं ताकि आप चूक ना जाएं। वो महारथी बच्चे भी हैं जिन्हें 10 आंसर ही आ रहे हैं, 70 नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे सर? तो भाई एक काम करो, एक लाइन से हमारी शीट पकड़ो, ठीक है, इस तरह से जो है OMR शीट रहती है आपकी, ये आपकी OMR शीट, 10 क्वेश्चन पकड़ लीजिए, कितने हो गए, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चंस पकड़िए, एकदम लास्ट रिजॉर्ट है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा क्या करें सर, एक लाइन से 10 ए भर दीजिए,
अगले 10 सवाल पकड़िए, एक लाइन से 10 डी भर दीजिए। ये सिर्फ उस सिचुएशन में जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अटेम्प्ट तो करना ही है, प्लीज बच्चों, सिर्फ उस सिचुएशन में इस्तेमाल करना, ये कभी काम नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि इसके दम पे आप एग्जाम पास कर जाएं सिर्फ इस चीज़ के बूते। लेकिन अगर कुछ नहीं आ रहा है, ये करके आएंगे, जो पहले रिजल्ट आने वाला था उससे तो बेहतर ही आएगा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपकी मदद करेंगी, वो एक्स्ट्रा, वो हल्का सा एक्स्ट्रा पुश देने में आपको, जो कि नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड के बीच का फ़र्क जो है वो निर्धारित करती है। मतलब ऑन एन एवरेज मान के चले, अगर आप 60 से 65 सवाल आप ठीक कर लेते हैं जी यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो बहुत अच्छा नंबर है आपको पास करने के लिए। लेकिन अगर आपको 50 ही आंसर आते हैं, तो आप 30 क्वेश्चंस छोड़ कर मत आएँ, इन 30 के 30 को अटेम्प्ट करें। जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताया उसको थोड़ा ध्यान में रखें, अपने हिसाब से उस चीज़ को एनालाइज़ करें, आपके हिसाब से कौन सा जवाब सही हो सकता है, कौन सा कितना सही हो सकता है, कौन सा कितना गलत हो सकता है, एलिमिनेट करें, इस प्रोसेस को ध्यान से देखें और सारे सवाल अटेम्प्ट करके आएँ। क्योंकि नहीं करके आएंगे तो बिल्कुल ही जीरो है, अटेम्प्ट करके आएँ तो क्या पता सही जवाब मिल जाए। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल पेशकश JNVST एग्ज़ाम में तुक्का कैसे मारे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और उससे ज़्यादा उम्मीद है आपके लिए थोड़ा बहुत ही सही पर काम आएगी। लेकिन फिर से मैं ये बात दोबारा बताया, चलो इस तरह की चीज़ों पर भरोसा नहीं करना है। तुक्कों के दम पे आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। अगर जस्ट मिस कर रहे हो तो क्लियर ज़रूर कर सकते हैं, वो जो एक छोटा सा बैरियर बन जाता है उसको पार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तुक्कों के दम पे आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। भले ही आप महादेव के कितने बड़े भगत हों, माता रानी के कितने जगराते आपने अटेंड किए हों, कुछ भी करते हो आप, सिर्फ तुक्कों के दम पे कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो अपनी तैयारी पूरी रखें, और जो थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है ना, उसके लिए ये वीडियो आपके काम आएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मैं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु TV। फिर मिलेंगे आपसे किसी और चीज़ को, किसी और टॉपिक को लेके। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए ध्यान से, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए, उससे आपको मदद मिलेगी। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे तो तुक्के लगाने की ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखिएगा। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू हो। नवगुरु, धन्यवाद।